देख के आराम से। कुछ नहीं, अगेन आ गए, अभी देखो क्या होता, खुदा बेहतर करे। आज फाइनल उसका टेस्ट होने वाला, जो मतलब के था एक फाइनल टेस्ट है, उसके अलावा कोई हल ही नहीं है अभी। सलमान भाई लोग भी बाजी लगा मेरे से तो हार जाए, माइक से आवाज आ रही है, तो आप में से आ जाओ जल्दी से। ऐसे वहाँ जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ आवाज लगाते हैं, जगह ऐसी है जहाँ आपको अंदर नहीं जाने। अच्छा अभी फाइनल अभी फाइनल तो ये मैं बोल लेने दे रही है। तो फाइनली चुप कर गई है हमारी माँ जी, हम ये बोल रहे कि मैरिज शॉप नहीं जाना, मैरिज शॉप भी नहीं थी मानिस टेस्ट के लिए, तो उनको अभी थोड़ा समझाया हमने, उनके बिना किसी ने जहन में गलत बातें डाल दी हैं, ऐसे हो जाते वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, खुदा बेहतर करेगा। सैम का भी तो हुआ था ये नहीं, तो अभी सेट हो जाएंगे, तो बारिश होना स्टार्ट होगी। अच्छा तो ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा, बादल देखो होने वाला, हम इसलिए रुके हुए चले, ये हमारे मिस्टर महविश के लिए भी दुआ करें, क्योंकि उनका जहन लोगों ने ना कुछ ऐसा बना दिया हुआ कि वो कुछ फैसला नहीं ले पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि वो टेस्ट के लिए अभी मानी है, अभी मानी है, खुदा बेहतर करे, जो भी करे खुदा की मर्जी, बच्ची के लिए भी बहुत अच्छी हो, दुआ में याद रखे बच्ची को। बाकी मौसम बहुत प्यारा हो गया है अभी, लेकिन इस मौसम का क्या फायदा जब हम परेशानी में हैं सलमान भाई। ये तो है, इंजॉय नहीं कर सकते परेशानी में, ये माहौल नहीं इंजॉय कर सकते, क्या बोल सकते बेटा, बस आप दुआ करो हमारे लिए कि मैं भी ठीक हो जाए, हम आराम से जाएं घर जाएं। अम्मा माँ जी का फिर बोलने लगे, कैमरा बंद करते। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमी आर भी। तो आज का कुछ ऐसा सीन है, हम लोग सुबह के आए हैं, आप लोगों को पता है, तो इनकी थोड़ी सी फिर बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी, रात में होकर गए, लेकिन हमने बोला मॉर्निंग में या दोपहर में चक्कर लगा लें, लेकिन फिर एकदम से ऐसी हालत होगी कि हमें सुबह ही आना पड़ा। लेकिन अभी जो ना माहौल पहले बहुत ज़्यादा गर्मी वाला था, और अभी इतनी ठंडक होगी, दिखाता हूँ आपको माहौल, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे माहौल का फ़ायदा नहीं है ना जिसमें मतलब कि हम परेशान हो, तो अच्छा माहौल बना हो उस्मानी तो वो एंजॉय ना कर पाए, बस ये बात है। ये देखो मौसम बहुत प्यारा, बहुत सुहाना लग रहा है, लेकिन क्या है कि हम इस मौसम में अभी एंजॉय नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भूमि और सब बैठे हुए हैं और अपनी बातें कर रहे हैं जो भी है, तो क्योंकि खुशी का तो टेस्ट होने वाला है, फाइनल टेस्ट है उसका, उसके बाद सारे हल निकल जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बस बिल्कुल बिल्कुल खैर करेगा खुदा, सेट हो जाएगा। अम्मा जी टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस ये दिल पकड़ के थोड़ा वो टेस्ट करवाना पड़ता है, और कुछ भी नहीं है देगा, बस यही बात है। 1% मतलब कि हम सारे बैठे हुए ना जितने भी, इनमें से कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन वो एक बंदा होगा, ओदे ते थोड़ी कल ही आना है, और खुदा जानता किधर से आना किधर से नहीं आना, बस ये बात है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये वाले पेड़ है ना, जो ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, देखो कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, तो सारा सुहाना हो गया, लेकिन नहीं इंजॉय कर पाएंगे हम लोग, तो अभी जाएं आप नाश्ता वगैरह करके आ जाएं, तो देख लेते फिर उसके बाद। बस आज रोमी को पता नहीं क्या हो गया, सोए हुए हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है, किस किस को देख के हंस रहे, देखो ख्वाब में लड़की वड़की तो नहीं आ गई है, कह रही थे कोई ख्वाब में हो रहे तो नहीं मिल रही आज, बड़ा हंस रहे हो है। बता ऐसे ही हंसा ही है, चलो उठ जाओ मुझे भूख लगी है, क्या अंदर दर्द हो रही भूख से, क्या होता। फाइनली व्यूअर्स हम लोग हॉस्पिटल से आ गए थे, लेकिन हॉस्पिटल पे आ गए थोड़ा सो के घर पे, अभी हम आए हैं, ये देखो यार जरा मंजर देखो, नहीं ऐसा नहीं है, दो मैंने भी देखा है इस मंदिर, लेकिन इस तरह का नहीं होता, फर्क तो है, ठल्ले इतनी बड़ी बड़ी कभी भी नहीं आती है, देखो जरा, और यहाँ पे पुलिस भी आ गई, कराची के लोग भी ना सही है, मजे लेने आते, बोले देख लो तूफान आ रहा है, लोग बोलते हैं हम घरों में बैठे बता ना सब भी हादसा हो जाए, लेकिन कराची के लोग मज़े लेने आ गए, देख लो पूरा कितना बुरा है चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे जोनस मंदिर बहुत चढ़ा हुआ है सच में, हमने पहले लग रहा था, मुझे भी ये लग रहा था नहीं यार नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन नहीं है सी, वो देख और कितनी बुरी, तुम चलो उस मीडिया वाले के पास चलते हैं, पानी आप लोग चेक कर, वो देख वो देख वो तो कितनी बड़ी ठल्ले यार, इधर कभी भी नहीं, सही बोल 10 फुट की ठल्ले,
मैंने नोटिस की है इतने सालों में पानी का कलर भी चेंज हो गया। यहाँ के पानी का कलर ऐसा नहीं होता, वो चेंज हो गया। ये बड़ी बड़ी ढल है, ये बहुत बड़ी ढल है। मैंने ऐसे नहीं, अभी जूम करके देखना, थोड़ा बारह लग गई ना फिर समझ आएगी। अभी हम लोग काफी अच्छा लग रहा है, फील तो अच्छा हो रहा है, लेकिन यार नुकसान तो है ना। लेकिन आप दूर दूर तक देखो तो कैसा सारा ब्लर हुआ है समंदर पूरा का पूरा, ये देखो ब्लर हुआ है। लेकिन यार माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन कराची के लोग आप जरा देखो, अब आप देखो भाई साहब चल रही है। तो बस ये कि डर खौफ नहीं है उनके दिलों में और किसी के सिवाय खुदा के हैं, तो इसलिए लोग बोलते कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देख लिया पहले से आराम, चलो आज समंदर आ ही जाते हैं यार इतने दिन तक। हम संडे को उतरे हैं लेकिन वीडियो नहीं बनाई हम लोगों ने, तब भी समंदर था लेकिन इतना नहीं था जैसे आज है। इतनी बड़ी ठल्ले वो रही, इस नाम तो नहीं आ रहा नहीं जैसे हम तो रुके में बहुत पीछे हैं हम लोग। ये देखो जैसे लग रही, दिल तो बहुत गया पूरी मिलना जी। ये देखो रहे हो कितना मतलब कि वो है दो दरिया का, वैसे भी ठल्ले बहुत ऊंचे आते हैं लेकिन ये जो ढल्ले ये किसी अलग किस्म की, ये देखो ये बहुत अलग किस्म की ढल्ले, पानी ऊपर तक आया तो ये है बस। तो यहाँ पे भी अगर हम जूम करते ना ये ऐसे नहीं पता लगता जूम है बस, लेकिन हम तो बस यही बोलना चाह रहे खुदा रहम करें तो यहाँ से देखने पानी रहेगा। सो एक आध हम अपने साथ भी तो एक आधा छोड़ लें इस मंदिर का है बेगम, इधर अदरक कड़ाओ इस छोड़ तो आना चाहिए ये वाला। अच्छा आप उस दिन आए थे तो कलर चेंज था पानी का, लेकिन आज कलर बहुत ज़्यादा चेंज है ना, आज पूरा ग्रे ग्रे सा कलर हो गया और मैला सा कलर, ऐसे लग रहा है कोई और ही समंदर आ गया, कराची का समंदर नहीं। पहले ये ग्रे नहीं था, ऐसे नहीं था मतलब कि था लेकिन ऐसा ग्रे नहीं था, बहुत बजनी पानी है ये वाला, जो आता है वो अलग से काला होगा ऐसा होगा, लेकिन ये ग्रे पानी है ये तो अलग होता है। और दो दरिया का भी मैंने देखा पानी बहुत अलग है, जबकि दो दरिया का पानी ही बच गया है, तभी तो बोले पत्थर इधर से पीछे रहो बेटा, ये कुछ हुआ तो भागने का टाइम भी नहीं लगना, मैं पहले बता रहा हूँ। ये ढला रही बहुत, ये देखो ये ऊपर आ गई वो गई देखा, ये ढल बहुत पावरफुल थी। अच्छा ऐसे ही, अच्छा ये रिवर्स जाता और स्पीड से बन जाता है वो, देखना ढल बना देगा इतनी, ये देख ये देख ये देख ये देख ढल बना दी ना इसने। सारी अवाम वापस पीछे, अभी अभी भगा के गई थी यार प्लीज, अभी DHA वाले आ गए हैं देखो कितनी अवाम है भाई साहब। चले 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 सब भागो, मैं तो बोल रहा हूँ चलते अभी हम बस बहुत है, हम आधा घंटा आए थे। हाँ हाँ भाई साहब जामन अपन जामन, हम लोग तो जा रहे हैं बाकी किसी और का पता नहीं हमें है भाई, हम अपनी फिक्र कर सकते हैं कुछ जा रहे हैं, हम तो ऐनी आए थे इधर पास में खाना खाने, तो मैं इनको बोला पहले तो हमें नहीं दिया हमें पुलिस वालों ने, मैं इनको बोला चलते हैं तो बोरे चलते हैं देख के आते हैं, तो हमने पानी दो के लिया। ये है कराची की आवाम, ये है कराची। तो फाइनली व्यूअर्स हम लोग जो ना घर पे आ गए हैं, लेकिन अभी घर आए हैं
तो बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए हैं आज, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोगों ने इतने इतने लंबे सफ़र किए ना, बहुत लंबे सफ़र किए हैं। सुबह में किया, फिर दोपहर में किया, फिर रात में एक और सफ़र किया था, वो हमने बताया नहीं। कि हम लोग किसी खुशी में ना जाए लेकिन ऐसे टाइम पे लाजमी पहुंचे, बिल्कुल हर किसी। और इस मामले में ना मैं फौरन उठ जाती हूँ, चाहे वो मेरी अपनी फैमिली की बात हो या इनकी फैमिली की बात हो। तो सलमान भाई को मैंने पहले ही बोला था कि मैंने कब टेंशन लेना, रात में जब भी फ़ोन को दिन में करो हम हाजिर हैं। तो उनको सुबह से सुबह मुझे कॉल आई 10 बजे, तो हम लोग उठ के पहले वहाँ चले गए। हमने पूरा मतलब शूट नहीं किया, जाहिर सी बात है हम इसलिए थोड़ी जा रहे हैं कि हम अपना व्लॉग बनाएं वहाँ पर, नहीं हम तो इसलिए जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा उस हॉस्पिटल में इंचार्ज थी NICH में, तो मम्मा के लोग काफी स्टाफ वगैरह अगर जहाँ आए हैं जानने वाले, तो उनकी सोर्स से मैं यही कोशिश थी कि जल्दी उनका काम हो जाए। फिर हम लोग दोपहर में ही आए हैं, और फिर शाम में ना मेरी नंद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी बड़ी वाली, फिर सोने लगी। फिर आज का दिन वैसे अजीब ही रहा हमारे लिए ना, टेंशन वाला, लेकिन इतना अच्छा मौसम बना था, लोग उस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग परेशान ही रहे पूरा दिन। सुबह उनके लिए कैश क्या हो गया, इसने आज पता क्या हरकत की, और इसको आज मैंने खाना नहीं देना, इसको भी मैं रात में ना दही दे देता हूँ। इसने आज कच्चा गोश्त उठा के खा लिया यार, मैं यहाँ के ऊपर लागे ना यहाँ पे रखा हुआ था, उसने जम मार के ना उठा के खा गया। मुझे इतना गुस्सा है कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए इसको, अगर इसको मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ तो उसको ऐसे नहीं, अगर अभी इसको मैंने कुछ बोलूँगा ये फिर ऐसे हरकत करेगा। अब इसको दही ला दे तो गर्मी भी बहुत है, तो इस तरह से कर लेते हैं। बस आज का ये वाला दिन हमारा यहीं तक है, उम्मीद कर तो बहुत पसंद आएगा, पसंद है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी मैं इसको जाता हूँ वॉक करवा के ले आता हूँ साथ में, साथ में इसके लिए दही ले आता हूँ ताकि वो खा लेगा रोटी में, ठीक है गैस चुप कर दो अभी, चलो चलते हैं।